हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक हो गया कि डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, डिक्रीमेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है, जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है ना, यानी वेपर प्रेशर में कमी, जो भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो वो ही कॉज करेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, देखिए जो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर में बहुत डिक्रीमेंट आएगी, यही कॉज करेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो देखिए मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूँ क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस में मैंने टेम्परेचर लिया है। ठीक हो गया, टेम्परेचर है केल्विन में। ओके जी, तो अब देखिए क्या होगा, मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ठीक हो गया, तो दो पॉइंट अगर मैंने कंसिडर करे, तो अगर मैं, पहली बात है टॉपिक ही हमारा है डिप्रेशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर में कमी आएगी। तो देखिए प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर जितनी तेजी से डिक्रीज होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतनी तेजी से मिलेगा, क्योंकि बिकॉज उसमें केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाएगा हमें। ठीक हो गया, यहाँ पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिला, तो इसको अगर मैं नीचे प्लॉट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट, मतलब टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, नॉट का मतलब हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। फिर देखिए, अब मैं सॉल्यूशन का पॉइंट है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो बहुत कम आएगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, तो पहले किसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, सॉल्वेंट का। ठीक हो गया, फिर सॉल्यूट का आएगा, तो बट सॉल्यूशन में दोनों है तो इसलिए और कम चले जाएगा, और नीचे जाएगा। ठीक हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर जाकर मिलेगा, इसको हम नीचे प्लॉट करेंगे तो टीएफ हो जाएगा, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। इज दैट क्लियर और नॉट? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ठीक हो गया जी, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक हो गया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट दी सॉलिड फेज इज, जो सॉलिड फेज होती है ना वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है लिक्विड फेज की। जब फ्रीजिंग पॉइंट अकर होता है तो जो सॉलिड फेज होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है लिक्विड फेज की। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो फ्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी उसकी वेपर, उसकी लिक्विड स्टेट के एज वेल एज उसकी सॉलिड स्टेट के। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, और यहाँ पर क्या होगी, उसका जो सॉल्यूशन की जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी उसकी लिक्विड फेज एज वेल एज सॉलिड फेज। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है ये और फ्रीज आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला कर्व क्या बताएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट, ये फ्रोज हो गया, बिल्कुल फ्रीज आउट हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट? ठीक हो गया। फिर देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट, अब अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब उस सब्सटेंस की वेपर प्रेशर, जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट वो बराबर होगा उस सब्सटेंस के सॉलिड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के सॉलिड फेज में। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? The freezing point of a substance defined as the temperature at which, जो उसकी वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटांस इन लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटांस इज इन लिक्विड इन सॉलिड फेज के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटांस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटांस इन लिक्विड फेज is equal to the vapor pressure of a solid phase. Is that clear or not? ठीक हो गया student? तो देखिए इस solution, जैसा कि इस solution will freeze, तो एक solution तभी freeze होगा जब उसका vapor pressure equal होगा to the vapor pressure of the pure solvent as clear from figure. तो एक vapor pressure यानी वो तभी उसके बराबर होगा जब उसका vapor pressure liquid phase में
और उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में उसके बराबर होगा, ठीक है, तभी वो फ्रीज आउट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन सॉल्वेंट में यहाँ पर मिला, और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर यहाँ पर इक्वल हुआ, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ इसको, यहाँ पर TF हो गया और यहाँ पर TF नॉट हो गया, तो ये इसमें डेल्टा TF हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, ओके। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्वेंट इज क्लियर फ्रॉम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने करा आपका, ध्यान से समझना आपको। अब देखिए क्या होगा, जो TF नॉट है ना, TF नॉट बी दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक हो गया। TF नॉट मैंने माना फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक हो गया। और TF, तो अब क्या होगा, जो TF नॉट मैंने माना फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और TF बी दी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। TF वो है जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो अब देखिए डिक्रीमेंट कितना आएगा, अगर मैं बात करता हूं तो डिक्रीमेंट कितना आएगा, डेल्टा TF क्या हो जाएगा, इसमें से जब मैं ये घटा दूंगा तो ये डिक्रीमेंट होगा नहीं होगा, ठीक हो गया। तो देखिए डेल्टा TF क्या हो गया, TF नॉट माइनस TF, ओके। तो यही कहलाता है, इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, सॉरी। तो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक हो गया। तो अब ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जो डेल्टा TF डायरेक्ट रिलेशन हो गया स्मॉल m के मोलैलिटी के डायरेक्ट रिलेशन हो गया एक्सपेरिमेंटली। तो अब मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाता हूँ तो क्या लगाऊंगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KM into KF हो गया। तो KF क्या है, वेयर KF प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, जो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कि सॉल्वेंट का नेचर किस टाइप से है, ठीक हो गया। इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अब इसको क्या कहते हैं, जो KF हो गया हमारा, इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ठीक है, तो अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट कि W2 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, W2 ग्राम सॉल्यूट हैविंग M2 मॉलिक्यूलर मास हो गया, M2 मोलर मास हो गया, इज एडेड टू W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया, तो क्या हो जाएगी मोलैलिटी, क्या हो जाएगी हमारी आपकी, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी W2 अपॉन M2 अपॉन कितना हो जाएगा W2, ठीक है, किसमें W1 सॉल्वेंट में ऐड करा तो W1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसमें होता है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है ना, तो ग्राम किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, तो अपॉन 1000 कर देंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू M की वैल्यू क्या रखेंगे, W2 अपॉन M2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, इंटू 1000, ठीक हो गया, इंटू W1 इंटू KF। इज दैट क्लियर और नॉट? तो और करके क्या लिख सकता हूँ मैं, M2 यानी मोलिकुलर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का कैसे निकल जाएगा, M2 निकालना है W2 इंटू 1000 इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू कितना हो जाएगा W1, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट पता हो, ठीक हो गया, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पता हो, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट पता हो, ठीक है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता हो, और कि हमें सॉल्वेंट का वेट पता हो, तो हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकेंगे, नहीं निकाल सकेंगे, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट? हाँ, तो स्टूडेंट्स इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, एक 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व किया है इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक हो गया, लोअर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, ठीक हो गया, वो लोअर कर देता है बेंजीन को बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट
ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलो किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है, ठीक हो गया। तो देखिए हमें क्या पता है, डेल्टा TF क्या होता है स्टूडेंट, KF, ठीक हो गया, KF इनटू स्मॉल m होता है, ओके जी। तो डेल्टा TF की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो KF इनटू स्मॉल m क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में, तो W2 अपॉन M2 अपॉन आपका W1 अपॉन 1000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, ये ऊपर ये इधर, ठीक हो गया जी। तो डेल्टा TF हमारा क्या हो गया, आपका KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट्स, M2 इंटू W1, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। और M2 इक्वल्स टू क्या हो गया, M2 क्या, तो KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, KF की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स, 5.12, ओके 5.12, ठीक हो गया। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट कितना था, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, ये रहा हमारा, तो कितना है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1000 हो जाएगा अपॉन क्या करेंगे W1। अब W1 क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेट, तो देखिए कितना है, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन था, इज दैट क्लियर और नॉट। तो कितना वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट दी ऑब्जर्व लोअर टू फ्रीजिंग पॉइंट में कितना लोअर हुआ, 0.40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, आपका आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल, इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।